अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक ऑफ गैंग टू इनदर वीडियो। तो कल जब मैंने फेसबुक ओपन किया तो मेरे सामने एक हसीन और जमील किस्म की लड़की की वीडियो आई। पहले तो मैंने बोला कि एकदम कड़क माल है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कमेंट सेक्शन में एक्सपर्ट्स का क्या मानना है इसके मुताबिक। तो एक चाचा बहुत प्यार और मोहब्बत से लिखते हैं, हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, पिक्चर वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस, ओके थैंक यू। अब ये तो देखो, मैं इस उम्र के चलते ऑनलाइन काम करते और हमारे इधर अपने सोई हुई शक्ति को फिर से नमूदार करने की कोशिशें जारी हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे चीजों के बारे में जो कि सिर्फ और सिर्फ पाई जाती है पाकिस्तान में। अबे क्या नुनू फंस गया मुंह में। अतः बाहर मुल्क में जब कोई किसी से नाराज होता है ना तो गिले शिकवे से भरा हुआ एक पैराग्राफ उसके मुंह पे मारते हैं, लेकिन हमारे इधर अगर आपसे कोई नाराज होता है तो आपको सिर्फ इतना मैसेज करता है, करो पान। और अगर आपको समझ में आ जाए कि सामने वाला बंदा कोर्ट वर्ड में बताना चाहते हैं कि वो हमसे नाराज है, फिर आप पूछो कि वजह क्या है, तो फिर उसका डुप्लीकेट उल्टे खोपड़े भेज देंगे। ताज़ा मस्त उठे की बिरयानी करने वाला चबाते वक्त अचानक से इलायची के दाने के नमूदार होने की सूरत में जितना गुस्सा आता है ना, उससे ज्यादा गुस्सा मुझे इस इमोजी यूज करने वालों पे आता है। पता है पाकिस्तान में जब रात हो जाती है ना तो बहादुरों का एक ग्रुप पाकिस्तान की गलियों में तैनात हो जाता है। बहादुरों के इस ग्रुप को मैं सैल्यूट करता हूँ क्योंकि बगैर किसी तनख्वाह के बगैर किसी मुआवजे की डेली ड्यूटी करते हैं। लेकिन यार इनके चेक पोस्ट का एक मसला है, अगर तुम इनके चेक पोस्ट से स्लो होकर गुजरोगे तब भी तुम्हारे पीछे भागेंगे, अगर तुम फास्ट होकर गुजरोगे तब भी तुम्हारे पीछे भागेंगे। अगर तो आप एक लड़की हो और रात के वक्त आपको किसी काम से भेज दिए गए हो तो भाई आपका इस कुदरती पुलिस से सामना तो जरूर हुआ होगा जिंदगी में एक ना एक मर्तबा। अगर सामना हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं भी हुआ तो फिर भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जिंदगी में एक ना एक मर्तबा आपका सामना इनसे होना ही है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। पाकिस्तान में फ्री फायर के 1v1 का इतना क्रेज है ना कि अगर तुम आधी रात को भी गेम ओपन करके वर्ल्ड चैट में जाओ तो वहाँ पर तुम्हें एक ना एक बंदा ऐसा जरूर देखने को मिलेगा जो कि दूसरे को बोल रहा होगा, तुझे मैं लंदन की सैर कर रहा हूँ, आजा 1v1, मतलब गला खराब आजा 1v1, टट्टी नहीं आ रही आजा 1v1, हजमोले की तरह तेरी टट्टी निकालता हूँ। हम पाकिस्तानी प्लेयर्स 1v1 के इतने शौकीन है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो जाएगी ना तो पहले दुश्मन को बोलेंगे आज हमारे चित्र फ्री फायर में 1v1 करे पहले। सजा के तौर पर मरने से पहले एक ख्वाहिश दी जाती है कि तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, अगर पाकिस्तानियों को ये मौका दिया गया ना तो वो बोलेंगे मुझे फ्री फायर में किसी बड़े प्लेयर के साथ 1v1 करना है और उसको हरा के व्हाट्सएप पे स्टेटस डालना है या टिकटॉक वीडियो बनानी है। टिकटॉक से याद है टिकटॉकर्स की गेम में अगर कोई बड़ा प्लेयर आ जाए, ओए रिकॉर्डर स्टार्ट, क्योंकि उस बेचारे को डाउन करके ग्लू ऑयल में पैक करके इमोट दिखाकर कंटेंट भी तो निकालना पड़ता है ना। कंटेंट और पाकिस्तानियों की व्हाट्सएप स्टेटस तो आ कोई प्यार में ठोकर काकर मुर्शिद का खबा बन जाता है, तो कोई वाली वीडियो बनाकर एटीट्यूड दिखा रहा होता है कि वक्त आने पर मैं सबकी लूंगा। अच्छा पता है पाकिस्तानी लड़कों की सबसे बड़ी कमजोरी है लड़की, फॉर एग्जांपल क्लास में एक ऐसा देसी डक्का जरूर होता है जिससे अगर कोई लड़की पेन या कॉपी मांग ले तो भाई वो बच्चों के नाम तक सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि वो मेरे साथ सेटिंग करना चाहती, वरना उसने पूरी क्लास में मेरे से पेन क्यों मांगा। उस एक पेन के चक्कर में एक महीने तक हमारी जिंदगी जंड हो जाती उस लड़के की वजह से, क्योंकि व्हाट्सएप ओपन कर तो HD व्हाट्सएप स्टेटस कपल लव 2032 देखने को मिलता है, फेसबुक ओपन कर तो वहाँ पर अलग किस्म की वीडियो, और अगर फ्री फायर की बात करें तो भाई यहाँ पर अगर तुम्हें पता हो भी ना कि सामने वाला लड़का है भी या नहीं लेकिन लड़की का कैरेक्टर उठाया हुआ और तुम्हारे सामने सेटअप करे या 2-3 ग्लोअल दे रहे या बड़ा भजा पेन मारे तो ये सोचने बैठ जाते हैं घर वालों को अपनी ऑनलाइन शादी के लिए कैसे राजी करूंगा। और अगर वो लड़की इनके साथ गेम खेलना छोड़ दे तो भाई प्रोफाइल पिक्चर डाल लेते हैं कि आई लेफ्ट द वर्ल्ड बिकॉज शी लेफ्ट मी, अगर तो आप लड़की हो तो यार आपके मजे, क्योंकि भले ही आप इंटरनेट पे लव्स कंटेंट के अंदर इन दो टी की जगह 2 किलो की टट्टी अपलोड करो तब भी आप फेमस हो जाओगी, बस आपको गेम ओपन करनी और ओ माय गॉड ये बंदा मुझे मार रहा है बेशरम ऐसे किस्म की वीडियो बनानी और आप फेमस।
अब जो मेरे भाई कम वक्त में लड़कियों की तरह ज्यादा फेमस होना चाहते तो इनके लिए मैं एक निंजा टेक्निक बता देता हूँ। आजकल लड़कियों की डिमांड थोड़ी बढ़ गई है, वो हैंड गन को ज्यादा पसंद करते हैं। अब अपने हाथ तो दिखा नहीं सकते, ये देखो ये तो भाई ऐसा लगता है डायनासोर के बच्चे के पंजे हैं। अपने किसी मोटे डड्डू दोस्त को पकड़ो, क्योंकि मोटे लड़कों और लड़कियों के हाथों में ज्यादा फर्क नहीं किया जा सकता। उसके हाथों पर वैक्सिंग करा के सबसे पहले तो जाड़ियां हटाओ, फिर नेल पॉलिश लगवाओ और मोबाइल पकड़ाकर उसका हैंड गेम रिकॉर्ड करो। लोग तो यही बोलेंगे ना कि कोई मोटी गेम खेल रही है। क्या सोच है रे तेरी? है ये सब कुछ तो चलता रहेगा, मैं आप लोगों को आपके फायदे की बात बताता हूँ। फ्री फायर में फिर से एक बहुत बड़ा इवेंट आ चुका है जिसका नाम है प्रैंक मास्टर, जिसमें आप वो चीजें जीत सकती हैं जो कि आपकी असल जिंदगी में काम आती है। अब इस इवेंट को प्रमोट करने के लिए गुल पांडा और दो पश्तो रैपर ने मिलकर एक वीडियो बनाई जिसमें बेसिकली वो अपने दोस्तों के साथ प्रैंक्स वगैरह दिखाए जाते हैं कैसे करते हैं प्रैंक। अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपने भी इस तरह अपने दोस्तों के साथ प्रैंक करने हैं, भले वो स्क्रिप्टेड हो लेकिन अच्छा कंटेंट हो और बैकग्राउंड म्यूजिक इस वीडियो का हो, और फिर आपने फेसबुक कहीं पर भी पोस्ट कर देना वो प्रैंक इन 3 हैशटैग्स के साथ, और फिर अपने प्रैंक का लिंक कॉपी करके इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में छोड़ देना है लिंक। अगर आपको ज्यादा मालूमात जाननी है तो इस पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख लेना कि किस हिसाब से प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और हाँ, अगर आप लोगों ने डकी बाय का एक पिछला व्लॉग देखा होगा जिसमें रोमैसा खान को कैली बनाया गया था, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो क्यों बनाया गया था। क्या इस क्लास में कोई है जो इस सवाल का जवाब दे सके? सर मैं बताऊं? जी फहद आप बताएं। सर बताएं, फहद बताएं। Get out of the class! इनके गेट्स तो अटक गए मगर फ्री फायर कभी नहीं अटके। डाउनलोड द गेम एंड एक्सपीरियंस द स्मूथ बैटल रॉयल गेम नाउ। खैर आज के लिए इतने, अगर इवेंट के संबंध नहीं आए तो प्लीज एक बार फिर से देख लो वीडियो को, क्योंकि मैंने चाहता आप ये इवेंट मिस करो। इसमें काम की चीजें रियल लाइफ से रिलेटेड लैपटॉप वगैरह। तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना, बाय बाय। मुझे बहुत 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 मजा आएगा, बहुत 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 मुझे बहुत।